बॉलीवुड में नेपोटिज्म के चर्चे अक्सर होते रहते हैं। इंडस्ट्री में जमे बड़े फिल्म मेकर पर आरोप भी लगाते रहे हैं कि वो नए चेहरे से ज्यादा स्टार किड्स को अपनी फिल्मों में ज्यादा मौके देते हैं। कंगना रनौत तो सालों पहले इसके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। हालांकि कोई भी फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर किसी भी स्टार किड को मौका भले ही दे दे, लेकिन ये पूरी तरह से उसके काम और दर्शकों पर निर्भर करता है कि वो इंडस्ट्री में अपने पैर जमा पाएगा या नहीं। फरदीन खान, अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के उन स्टार किड्स में से हैं जिनके काम की तुलना हमेशा उनके पिता से होती रही है। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे स्टार किड भी हैं जिन्हें काम के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ये हैं अपने जमाने के रहे सुपरस्टार विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा, जो सालों से अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटे हैं। विनोद मेहरा जहां अपने समय के सुपरस्टार थे, उन्होंने कई दिग्गज फिल्म मेकर के साथ काम किया। बड़े बड़े फिल्म मेकर उनके साथ काम करने की ख्वाहिश रखते थे। वहीं रोहन मेहरा को इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। रोहन मेहरा इन दिनों अपनी वेब सीरीज काला को लेकर सुर्खियों में है। इससे पहले रोहन फिल्म बाजार में नजर आए थे, लेकिन इसके बाद इंडस्ट्री के बाजार में उनके लिए चीजें कुछ खास नहीं बदल पाई। उनके पास ना तो कोई खास ऑफर्स थे और ना ही काम। 3 साल तक लगातार रोहन एक दिन में 3 ऑडिशन देते रहे। इसके बाद काम मिलने में उन्हें काफी देरी हुई। रोहन बताते हैं कि अब तक मुझे जो भी काम मिला है अपनी काबिलियत के दम पर मिला है, क्योंकि मेरी सिफारिश करने के लिए ना तो अब मेरे पापा इस दुनिया में हैं और ना ही मैंने कभी अपने पिता का परिचय अपने से पहले दिया।